नमस्कार भैया, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। क्या नाम है? सुनील उपाध्याय। अच्छा, कहाँ के हो? मैं यूपी से हूँ, एटा से। उपाध्याय जी, एटा से। कब से चला रहे हो? 5 साल हो गए। शुरू क्यों किया? पहले मैं कंपनी में जॉब करता था, फिर शादी हो गई। अच्छा, शादी होने के बाद इसी लाइन में आ गया। और कितने घंटे चलाते हो? सर इसका कोई वो नहीं है। कुछ भी हो सकता है। 12-12 दो दिन हो जाते हैं, इसी में ही पड़ा रहता हूँ। पहले वही रेट 30 रुपये CNG थी, तब भी गाड़ी यही रेट चलती थी, और आज 90-95 हो गए, वही रेट आज। टैक्सी वालों कोई वैल्यू नहीं करता है। जहाँ गाड़ी कोई नहीं जाती है, वहाँ ओला उबर जाती है, चाहे दंडल हो, तालाब हो, कितना भी पानी कल यहाँ तक बोनट तक पानी था, लेकिन कस्टमर उतरा नहीं। मुझे तो वहीं छोड़ो। 11-12 में बहुत बढ़िया काम चला। ड्राइवरों ने गाड़ियाँ बना ली थी, तब तो कंपनी खड़े होने के 10,000 रुपये देती थी। मतलब पहले हाँ, फंदा लगाया, फिर हाँ, फंदा टाइट किया। हाँ, कुछ नहीं, अब कुछ नहीं है। तो आपने कब तक पढ़ाई की? मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है, मैंने ITI किया है और यामा में जॉब किया था मैंने। जब मैंने अप्रेंटिस कर लिया तो यामा वालों ने निकाल दिया। यामा वालों ने? हाँ, क्यों निकाला? हाँ, कि भाई आपका ब्रेक हो गया। मैंने कि अब कहाँ जाऊँ, कि दूसरी कंपनी में ट्राई करो। तो फिर उससे मैं निकल के फिर मैंने गाड़ी का प्लान बनाया है। आपका पहला ओरिजिनल प्लान था कि मैं कंपनी में काम करूँ, लेकिन ITI करके आया, कंपनी में जॉब किया, फाइनल इंस्पेक्शन में था, गाड़ी टेस्टिंग का मेरा काम था। क्या क्या टेस्टिंग करते थे? ये स्कूटी, यामा की बाइक। तो फिर उन्होंने आपको फिर से क्यों नहीं लिया? क्लियर हो जाएगा ना, परमानेंट की स्थिति में आ जाओगे। तो कंपनी का रूल होता है परमानेंट नहीं करना। हाँ, परमानेंट नहीं करना है तो मतलब 6 महीने का ब्रेक। आज बताओ, मेरे तो भाग खुल गया। मेरा तो आपसे कोई ऐसा वो नहीं था कि आप अचानक मेरे पास, जबकि ये ड्यूटी 2 बार आई थी मेरे पास। अच्छा। हाँ, फिर एक बार में कि रेंटल मैं नहीं करूंगा, इतनी देर में और काम कर लूंगा, डबल हो जाएगा। 800 रुपये दिखा रहा था मेरे को, 4 घंटे के 800 रुपये आपसे लेगा, 1500 रुपये मेरे को 800 रुपये। अगर आपको नहीं लगता कि चुने हुए लोग अमीर होते जा रहे हैं? हाँ, लार्ज और जो बड़ा मैस है, अब 90% लोग हैं वो नीचे जाते जा रहे हैं। बस वही चल रहा है, वही सिस्टम चल रहा है। राजस्थान में हम एक कानून लाए थे, हमारी जब सरकार थी। हाँ, आपकी सरकार थी। तो हम कानून लाए थे कि जो भी उबर चलाता है या डिलीवरी करता है, हर ट्रांजैक्शन में उसके लिए थोड़ा सा पैसा पेंशन के लिए कटेगा। तो आपने मान लो आपने राइड की, हाँ, हर राइड के लिए कंपनी को थोड़ा सा पैसा आपके पेंशन के लिए अलग रखना पड़ेगा, जो आपको बाद में मिलेगा। बिल्कुल। इसके बारे में क्या लगता है? बहुत बढ़िया रहा है, एटलीस्ट सिक्योरिटी तो आए ना कि भैया थोड़ा। हाँ, सा लास्ट में जाके अगर मिल जाएगा तो उससे कुछ राहत हो जाए। बिल्कुल, दो काम सरकार कर सके, जैसे हमारी तेलंगाना में, कर्नाटक में सरकार है, अगर हम वहाँ दो काम कर सकें तो क्या हो सकते हैं? एक तो पेंशन का आपने कहा, ठीक है, वो और क्या हो सकता है? एक तो इनका रेट सर सही किया जाए, रेट ठीक किया जाए। हाँ, रेट मतलब इनका पूरा वो निकाल के, माफ कैलकुलेशन करने के बाद इनका ये निकाल, बाकी में इनको कुछ बच रहा है कि वैसे ही रो रहे हैं। मतलब मिनिमम वेज होना। हाँ, कम से कम। हाँ, कम से कम जिंदा तो बने रहे। ये जितने गाड़ियां लेनी ना सर, किस्ते नहीं डाल पा रहे, ये कंडीशन। सारे टैक्सी वाले रो रहे हैं इसका, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। सपने में भी नहीं सोचा था, सिर्फ टीवी पे देखा था, आज देख के धन्य। मैं जब समझदार हुआ था, सबसे पहले जब वोटिंग लाइव हुआ था तो पहला वोट मेरा कांग्रेस के लिए गया। तब मैं ये पार्टी नहीं जानता था, क्योंकि तब लोग करते थे ना सारा काम, ये वोटिंग कांग्रेस थी ना पहले। हाँ। उस समय 70 साल जब स्टार्टिंग में कुछ नहीं था तो बनाया किसने? बिल्कुल। अरे ये आजकल जो इतना यहाँ पे शीला दीक्षित थी, यहाँ सारे फ्लाईओवर दिल्ली में जो काम है, सारी देन शीला दीक्षित की देन है। सही बात। तो ये कौन बनवा गया भाई? आसमान से तो नहीं गिरे। नहीं, ये कौन बनवा? होती है, हमें भी मिलते हैं, राजनीतिक मिलते हैं, गाड़ी में बातचीत होती रहती है। और सबसे अच्छा सीजन कौन सा होता है काम के लिए, कौन सा? वो दिन चले गए, 3 साल से मैं देख रहा हूँ, कोई दिन मेरा 5,000 का नहीं आया। अब मैंने कल उससे बोला था वाइफ से, मैंने कि यार अब घर ही चलना पड़ेगा। मैंने कि देख, अब कंपनी मेरे पर, घर जाओगे तो क्या करोगे? घर जाके वही है कि बच्चों को अपना सरकारी में डाल दो, अपना जो भी है मेहनत मजदूरी, खेती बाड़ी, जो भी अपना हिस्से में 1-2 बीघा आता है, करो कमाओ, और क्या, बस यही है। नमस्कार, पापा जैसे लगते हो, ये आपके बच्चे हैं? नमस्कार, क्या करती हो तुम? ये बड़े बच्चे। अच्छा, ठीक चल रहा है? और नाइस टू मीट यू। ये बेटी है, भाई की बेटी है। हाँ।
और वाइफ आपको क्या कहती है? वाइफ तो बस हमसे उनके जो सपने हैं वो हमने क्या उनके सपने क्या? वो तो पढ़ी लिखी ग्रेजुएशन उसने कर रखा है जबकि बीएड कर रखा है उसने, बीएड एमए डबल इंग्लिश से एमए बीएड कर रखा है। तो क्या सपना है उनका? मैं सोचा था शादी हुई थी हमें चल रही है लग जाएगी ना तो कामयाबी मिल जाएगी। आपका थोड़ा सा पैसा बचता है या बिल्कुल नहीं बचता? सर हमने तो आज तक 10,000 की गड्डी से बना आज कमा के गया राशन वाले को दे दो कल जो कमा के भाई चार दिन का इकट्ठा करके यार 20 बन इसलिए सारा पैसा कमाता हूँ लेकिन चला जाता है। ये देख लो सर सारा कुछ डेली का वो एक एक दिन के ट्रांजेक्शन देखो ना सर कितना गैस। वो कभी ये नहीं है कि खुशी के हो गए आज बच्चों से कहो चलो 10-30,000 रुपए डाल के कि आज चलो तुम्हें घुमा के लेके आते। 5 साल सर मुझे हो गई रोजी पे बैठा हूँ इस चीज के लिए नहीं। 4 बजे से निकले हो? 4 बजे निकला हूँ कोई काम। ये पहली ड्राइव है? ये यहाँ से पहली की है। एक घर से लेके आया था 20 किलोमीटर की रेप लोग 400 रुपए कल 329 रुपए की लास्ट भाग गया हूँ 3:45 पे 1.5 घंटे में घर। कल कितने ट्रिप से? एक ही कल इसमें किया है एक बस बस बाकी सब 0-0-0 हो गए। दूसरी उसमें चलाई कंपनी में अच्छा किसी में 150 किसी में 200 सब मिला के काम हो पा रहा है। बहुत अच्छा लगा बच्चों से मेरी नमस्ते कर लेने। रोड की तरफ जा रहा था मेरे पास ऑनलाइन ड्यूटी आई थी तो मुझे बहुत ही अजीब सा लगा कि राहुल गांधी जी मेरी गाड़ी में वो भी टैक्सी में कैसे जा सकते हैं। बड़ा ये बात सुन के काफी देर तक तो मजाक सा लगा मेरे को कि ऐसे कैसे हो सकता है। बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके खुले दिल से बात हुई तो कोई बेझिझक जो उन्होंने पूछा तो मैंने अपना पूरा दास्तान उनको बताया। फिर उसके दूसरे दिन कॉल आई मेरे पास कि वो आपकी फैमिली से मिलना चाहते हैं। नमस्कार कैसे हैं आप? आपके पति के साथ हम गए उबर में तो ये बता रहे थे आपके बारे में तो मैंने कहा कि आपसे भी मिलते हैं। क्या लेंगे खाने के लिए? 2-3 चीज़ें छोले भटूरे ले आइए, पापड़ी चाट ले आइए, आलू की टिक्की ले आइए। मिर्ची तो खाती हो ना? नहीं आगरा पेपर दिया था टेट का लेकिन वो लीक हो गया उसके बाद मैं कोई वैकेंसी नहीं आई। हाँ इन्होंने बताया लीक होने के बाद पूरा तो उसमें आपका पूरा पैसा जाया हुआ है। हाँ तो आप क्या सोचते हैं ये इनकी जो ड्राइवरी हो रही है इसके बारे में ये आपको लगता है ये परमानेंट नहीं है मतलब ये टेंपरेरी है? परमानेंट है लेकिन डेवलपमेंट इतना कहाँ है भैया मतलब वहीं के वहीं है उतना ही है मतलब खा लिया उसके बाद में अगर बच्चे का फ्यूचर नहीं बना तो दिल्ली रहने का क्या मतलब है? इससे अच्छा तो घर था। कल से परेशान सुबह जल्दी उठ के बोली कि सबसे मिलने जाना है जल्दी रेडी हो जाओ तुरंत हम लोग अभी बोल रही है फिर नहीं बोलेगी इतना बड़ी होके क्या करोगी? बड़ी होके पढ़ाई थोड़ी करोगी पढ़ाई तो छोटी होगी तब करोगी। पढ़ाई करने के बाद क्या होगा? किस प्रकार के डॉक्टर? दिल के दिमाग के हड्डी दिमाग के और आपका क्या प्लान है? कौन सा सब्जेक्ट मुश्किल लगता है? मैथ। और अच्छा कौन सा लगता है बाकी सब? आप भी यूपी के हैं? कानपुर से हूँ सर मैं कानपुर लेकिन मैरिज मेरी एटा में हो गई तो मैं एटा शिफ्ट हो गई। एटा कैसी जगह है? ठीक है सर डिस्ट्रिक्ट है तो ठीक ही है लेकिन बस वही है कि सबसे पहले आपको क्या लगा जब आपने दिल्ली देखी पहली बार? कुछ नहीं लगा बस फिर तो अपने घर की याद आती है यहाँ। आपसे मुलाकात हो गई इतना क्या कम था? कर्नाटक में और तेलंगाना में उबर ड्राइवर्स के लिए कानून बना रहे हैं तो मैं थोड़ा समझना चाहता था कि इनको मुश्किलें क्या हैं क्या क्या चाहते हैं तो फिर मैंने सोचा कि अगर इनसे बात कर रहा हूँ तो जो आप लोग इन पर डिपेंडेंट हो तो आपसे भी बात कर लूँ। 24 घंटे हो जाते हैं ना खाने का सिस्टम ना सोने का वही है 24 घंटे होने के बाद तो फिर ऐसा ही होता है टेंशन रहता है। आइसक्रीम अच्छी लगती है? सबसे अच्छा क्या लगता है? हाँ
अच्छा, इंडियन आर्मी में जाना चाहते हो? तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी तुम्हें आईएएस में जाने के लिए। घर का जो खर्चा था उसका ब्रेकडाउन क्या है, कितना पैसा कहाँ जाता है? एजुकेशन है सर इसकी, क्योंकि अभी यही एजुकेशन कर रहा है, क्योंकि वो तो नहीं हो पाया। छोटी है? नहीं छोटी तो नहीं है, एज हो गई करने के लिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। इनकी मंथली लगभग में 3.5 के समथिंग फीस, फिर रेंट पर पोर्शन है तो सर उसका लगभग में 8 के समथिंग पड़ता है, लाइट वगैरह, और उसके बाद में सर राशन है किचन का लगभग में पड़ जाता है 7-8 का समथिंग, क्योंकि हर चीज़ पे तो रेट इतने हाई है। जब तक कोई फ्यूचर नहीं होगा तो क्या होगा सर, ना तो इनका दिख रहा है ना हमारा दिख रहा है। थोड़ा ज़्यादा खा लिया आज, इनको भी भरोसा हो गया, इन्होंने सोचा कि ये झूठ बोल रहा है ऐसे ही बोल रहा है। आज सर पिक वगैरह डाली थी ना, तो मतलब एकदम देखा तो हमने कहा हमने यार आपने पिक किसके साथ सेम करी है, मतलब क्लिक किया है भी है। अच्छा तुम ही एक अनोखे रह गए, तुम्हारी गाड़ी रह गई, गाड़ी उसके आगे तो आप गाड़ी।